सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Huawei लेके आ गया है अपनी लेटेस्ट P40 स्मार्टफोन सीरीज को, और यहाँ पे यार मेरे पास में दोस्तों है आपके लिए इस वीडियो में बात करने के लिए ये Huawei P40 Pro स्मार्टफोन। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए, आपसे बात करता हूँ इसी लेटेस्ट P40 Pro स्मार्टफोन की। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स, क्या है फीचर्स और क्या है खास बातें इसी नए ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में Huawei के लेटेस्ट स्मार्टफोन Huawei P40 Pro का बॉक्स टिपिकल Huawei स्टाइलिंग में, जहाँ पर दोस्तों अगर सामने ही जिक्र है Huawei ऐप गैलरी का, साइड में एक बार वापस से हो जाती है ब्रांडिंग इसी फोन की। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल ये है हमारे पास में 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में ब्लैक कलर में। कीमत नहीं लिखी है बिकॉज लिखा है नॉट फॉर सेल। अब यहाँ पर दोस्तों हालांकि इस बॉक्स पे कोई सील नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अभी हम आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से लाइक और शेयर कर ही दीजिए। तो यहाँ पे हम हटाते हैं जैसे ही इस लिड को, साइड में सबसे ऊपर दोस्तों रखा है यहाँ पे ये बिल्कुल प्रोटेक्शन में लिपटा हुआ फोन Huawei P40 Pro इसी ब्लैक कलर में। अगर हम बात करेंगे इसी के बारे में वीडियो में आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों आप जो है वो देखें अगर आगे बॉक्स कॉन्टेंट्स को, तो यहाँ पे इसी के ठीक नीचे है ये एक सेक्शन जहाँ पे हमारे पास में है ये एक सिम ट्रे टूल और फिर ये एक केस है फोन को थोड़ा सा मजबूती देने के लिए। नीचे दोस्तों यहाँ पे रखा है हमारे पास में एक 40 वॉट्स आउटपुट वाला फास्ट चार्जर फोन की बैटरी को बहुत ही तेजी से रिचार्ज करने के लिए। फिर है साथ में ये एक USB A टू USB C केबल और फिर है ये कुछ ईयरफोन्स जो कि आते हैं USB C कनेक्टर के साथ में। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जल्दी से फोन के बारे में, मैं हटाता हूँ इसकी प्रोटेक्शन को, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा है इस फोन का फर्स्ट लुक, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे करते हैं जल्दी से बूट, में आपसे बात करूँगा इसी फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहां पे जो राइट साइड है वहां हमको मिलता है ये रेड एक्सटेंड के साथ में आने वाला पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की साइड में है सेकेंडरी माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर, लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। और यहां पर दोस्तों फोन में नीचे है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट और साथ में है एक प्राइमरी माइक्रोफोन, USB C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अगर दोस्तों से बात करता हूं फोन के डिजाइन की पीछे की तरफ से, तो मतलब आपको ना चारों तरफ से काफी अच्छे कर्व्स मिलते हैं, तो देखने में या फिर इन हैंड फील जो है वो डेफिनेटली काफी प्रीमियम है इसी स्मार्टफोन की। और यहां पर दोस्तों जो मेन फोकस है वो है इस फोन का कैमरास को लेके, जहां पे हमारे पास में है एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जहां पे दोस्तों एक तो है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि बहुत बड़ा है साइज में, और ऐसे में दोस्तों लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। फिर है हमारे पास में एक 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और साथ में दोस्तों यहां पे कैमरा 12 मेगापिक्सल का जो कि है इसी पेरिस्कोप मैकेनिज्म के साथ में आने वाला, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम देता है और अप टू 50x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में हमारे पास में एक 3D टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, LED फ्लैश और माइक्रोफोन है जूम इन माइक वाले ऑप्शन के लिए। नीचे दोस्तों यहाँ पे है साइड में Huawei की ब्रांडिंग, और बेसिकली अगर आप देखते हैं इसके डिजाइन को तो काफी ज्यादा कैमरा सेंट्रिक लगता है ये फोन। जहां पर अगर आपसे बात करता हूँ सामने की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों ये आता है एक 6.58 इंचेस के कर्व्ड OLED स्क्रीन के साथ में, जहां पर दोस्तों फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और ये आता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। अब इनफैक्ट दोस्तों यहां पे जो स्क्रीन है ये भी अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर से काफी अच्छे से इसको जो है वो कर्व किया गया है, और ऐसे में इनफैक्ट जो इन हैंड फील है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप करते हैं स्वाइप एजेस से तो आप बहुत ही नेचुरल तरीके से कर पाएंगे। जहां पर दोस्तों इसके ऊपर लगी है प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स गोरिल्ला ग्लास की, और ये आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, जहां पर क्योंकि ये एक OLED स्क्रीन है तो ऐसे में जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अब यहां पर दोस्तों कोने में ये है हमारे पास में एक ड्यूअल पंच होल डिजाइन, जहां पे मेन कैमरा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फीज के लिए, और इसके अलावा है साथ में यहां पे ये एक IR कैमरा जो कि फेस अनलॉक और बोके मोड वगैरह में काफी अच्छे से मदद कर देगा। हालांकि जो पंच होल डिजाइन है ये काफी ज्यादा ही बड़ा है इस फोन के स्क्रीन के हिसाब से। अब अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहां पे फोन के बारे में थोड़ी और डिटेल्स को देखते हुए, जाते हैं दोस्तों अगर हम अंदर सेटिंग्स में, तो यहां पे हमको मालूम चलता है कि ये दोस्तों चल रहा है फिलहाल फोन EMUI वर्जन 10.1.0 पे, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 पे।
मतलब एंड्रॉयड आपको दोस्तों फोन्स में डेफिनेटली मिल रहा है, हालांकि गूगल मोबाइल सर्विसेज जो है GMS उसका आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी जगह पे आपको मिल जाता है यहाँ पे HMS का सपोर्ट जो कि है वावे मोबाइल सर्विसेज। यहाँ पे दोस्तों साथ में लगा है किरीन 990 5G प्रोसेसर, 8GB की रैम है और 256GB की स्टोरेज है। दोस्तों बैटरी है इस फोन की वो है 4200mAh की, जहाँ पे हमको वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस रिवर्स चार्जिंग सभी तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये है कुछ कहानी इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, जहाँ पे अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ कैमरा की, तो मतलब ढेर सारे हमको भयंकर, मतलब वावे दोस्तों आप फोन से जानते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हमको ढेर सारे ऑप्शंस क्या मिल ही रहे हैं यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों ही कैमराज के लिए, जहाँ पे स्लो मोशन हो या दोस्तों उसके अलावा तरह तरह की कुछ और स्टाइल की फोटोज हो आप बहुत आराम से क्लिक कर पाएंगे। जहाँ पे फिलहाल ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो मैंने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक किए हैं, जहाँ पे जो फोटो क्वालिटी है वो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज्यादा ही अच्छी है इस फोन की। फिर चाहे मैं आपसे बात कर लूँ नॉर्मल की या वाइड एंगल की या सेल्फीज की या फिर जूम की, तो मतलब आप देखें दोस्तों जूम करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो आप जो है वो डिटेल्स का पता लगा सकते हैं बड़े आराम से फोटोज में। बाकी अगर आप बताइए आपकी क्या है मन की बात इन्हीं फोटोज के बारे में नीचे कॉमेंट करते हुए। अगर आपसे दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे बायोमेट्रिक्स की, तो बड़े आराम से यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो उसको काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, ऐसे में काफी तेजी से फोन को अनलॉक कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो फेस अनलॉक है वो भी काफी चीज़ें काम करता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो सेल्फी कैमरा है ये आता है 32 मेगापिक्सल्स के कैमरा के साथ में दोस्तों एक IR कैमरा को लेके आता हुआ, जिसके चलते जो फेस अनलॉक है वो काफी अच्छा और तेज हो जाता है लो लाइट के अंदर भी बड़े आराम से फोन को अनलॉक करने के लिए। तो ये दोस्तों अगर कुछ कहानी इस फोन की। हालांकि ये जो पिल है जो दोस्तों डिजाइन है ये मेरे को काफी बड़ा लग रहा है, मतलब अगर हम बात करते हैं किसी एक पंचोल मैकेनिज्म की, तो ये आज तक का मैंने सबसे बड़ा जो पंचोल मैकेनिज्म देखा है कुछ ऐसा है इस फोन का। बाकी दोस्तों खैर यहाँ पे अगर हम बात करें अभी एप्स की, तो सीन कुछ ऐसा है कि वावे ऐप गैलरी आपको मिलेगी यूज करने के लिए, जहाँ पे वावे काफी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में वावे के हिसाब से काफी टॉप ऐप्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाकी और टाइम के साथ में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप साइड लोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशंस को बड़े आराम से, बिकॉज एंड्रॉइड है। हाँ, गूगल सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे वावे मोबाइल सर्विसेज का ऑप्शन है और वावे ऐप गैलरी के चलते आप जो है वो ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये इनफैक्ट दोस्तों फोन जो है वो जल्दी ही इंडिया में भी आने वाला है, अभी ऐसे में देखते हैं कि इंडिया में ये कब आता है, किस कीमत पे आता है और क्या रहती है पूरी कहानी इसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, जो कि है वावे P40 Pro, IP68 सर्टिफिकेशन है और मतलब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से तो यार जो डिजाइन है ना फोन का, जो इन हैंड फील है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी कैमरास जो है वो तो दोस्तों बड़े ही मतलब बढ़िया है इस फोन के। आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट करते हुए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं आगे आने वाले ऐसे ही किसी और क्रेजी कमाल वीडियो के साथ में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।